hello learners welcome back to my youtube channel today we will discuss about the eighth worksheet which is uh, from history chapter 3 nationalism in india in our previous video we talked about uh, the gandhiji's uh, visit he returned from south africa to india in 1915 and uh, between 1915 to 1916 he visited all over the india to Observe the ground level conditions of people so that uh, they can make strategies to fight against uh, Britishers. But before starting our today's uh, session, students, if you don't subscribe my channel, then subscribe and also press the bell button so that you will get the notification of my new videos. So, let's get started. इन our प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट the Gandhi yani ji's visit विजिट एंड 1915 फिफ्टीन गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्राम साउथ अफ्रीका इन नाइनटीन सिक्सटीन ही डू चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह क्या था चंपारण बिहार का एक स्टेट है जहाँ पर इंडिगो यानी कि जो नील है उसकी एग्रीकल्चर होती थी और नील की खेती के लिए बहुत सारा वर्क करना पड़ता था और जिस फील्ड में एक बार आपने इंडिगो प्रोड्यूस कर दिया उसके बाद आप उसमें कोई और एग्रीकल्चर नहीं कर पाते थे वो लैंड जो है वेस्ट बन जाती थी इसलिए जो फार्मर्स हैं वो नहीं चाहते थे कि इंडिगो की जो एग्रीकल्चर है वो की जाए और इंडिगो बहुत महंगा बिकता था यूरोपियन मार्केट में तो ब्रिटिशर्स फोर्स कर रहे थे फार्मर्स को कि वो इंडिगो की खेती करें तो महात्मा गांधी का ये पहला आंदोलन था और वहाँ उन्होंने फाइट किया और जो फार्मर्स हैं जो पीजेंट्स हैं उनको जस्टिस दिलवाया तो दैट इज कॉल्ड चंपारण सत्याग्रह एंड हेल्ड इन 1916. आफ्टर दैट इन 1917 ही वेंट खेड़ा सत्याग्रह वहीं खेड़ा में भी सेम प्रॉब्लम थी बट थोड़ी सी अलग थी सेम uh, क्या था कि ये जो सत्याग्रह था ये जो आंदोलन था वो भी पीजेंट्स के लिए ही किया गया था बट यहाँ प्रॉब्लम थोड़ी अलग थी जो नाइनटीन एटी नाइनटीन था उस समय पर पूरी फसल जो है वो ख़राब हो गई थी और जो पीजेंट्स हैं वो लगान यानी कि जो उन्हें टैक्स देना पड़ता था उसकी उसको माफ़ करने के लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही थी लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी और तब गांधी जी ने बहुत सारे आप कह सकते हो कार्यकर्ता और स्वयंसेवक बनने की अपील की लोगों ने कहा कि लोगों से उन्होंने घूम घूम कर कहा कि आपको फाइट करनी चाहिए अपने राइट के लिए और उनकी इसी अपील पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो अपनी वकालत कर रहे थे और उस अच्छी खासी चल रही वकालत को छोड़ करके भी आंदोलन में शामिल हो गए थे और इसी खेड़ा सत्याग्रह में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वहाँ जो खेड़ा की जो महिलाएं थीं उन्होंने इनको लोह पुरुष की उपाधि भी दी थी तो जो खेड़ा सत्याग्रह था वो पीजेंट्स के लगान यानी कि टैक्स को माफ़ करने के अगेंस्ट था एंड इन 1917 में ही उन्होंने एक अहमदाबाद मिल सत्याग्रह किया था अहमदाबाद गुजरात में है जहाँ पर मील के जो वर्कर्स हैं उनके आ, उनके लिए जस्टिस किया गया था क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि जब उस समय पर प्लेग बहुत फैल गया था अहमदाबाद में और जो वर्कर्स होते थे उनको बोनस दिया जाता था प्लेग के नाम पर ताकि वो अपना अच्छे से ट्रीटमेंट करा सकें और अच्छे से सर्वाइव कर सकें बट लेटर ऑन जो वर्क ऑनर्स uh, थे उन्होंने उस प्लेग uh, बोनस को डिसकंटिन्यू यानी कि ख़त्म करने के लिए बिल पास किया जिसके अगेंस्ट जो बहुत सारे वर्कर्स थे उन्होंने आंदोलन किया महात्मा गांधी जी ने उनके इस आंदोलन को हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस के साथ आपको ये आंदोलन करना चाहिए और uh, गांधी जी ने कहा कि आप uh, थर्ट फिफ्टी uh, थर्टी फाइव परसेंट बोनस आपके लिए इनफ होगा लेकिन जो मजदूर हैं जो वर्कर्स थे वो चाहते थे कि उन्हें फिफ्टी परसेंट बोनस मिले लेटर ऑन ये आंदोलन चला और जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो ऑनर्स हैं उन्होंने ट्वेंटी परसेंट बोनस वर्कर्स को दिया जिसके साथ ही ये आंदोलन ख़त्म हो गया था तो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह बहुत इम्पोर्टेंट था और महात्मा गांधी जी का ये फर्स्ट आंदोलन था जहाँ इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी यानी कि भूख हड़ताल की थी आफ्टर दैट सिक्स अप्रैल 1919 में रोलर सत्याग्रह हुआ था अब ये सत्याग्रह था क्या इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो किसी भी व्यक्ति को जिसके ऊपर डाउट है उसको बिना किसी कोर्ट के ट्रायल के दो साल तक जेल के अंदर डाल सकती थी और इसका मेन एम क्या था ये चाहते थे कि जो नेशनल मूवमेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए इसे ब्लैक लॉ भी कहा जाता है क्योंकि ये ह्यूमन राइट के अगेंस्ट था तो सिक्सथ अप्रैल 1919 को रोलट सत्याग्रह हुआ था गांधी जी ने इसका विरोध किया एंड इन uh, थर्टीन अप्रैल 1919 जलियावाला बाग मशक्कर हुआ था जलियावाला बाग मशक्कर आप सबको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था थर्टीन अप्रैल 1919 को वैशाखी थी और वैशाखी के टाइम पर उस समय पर बहुत सारे लोग जो हैं वो जलियावाला बाग में इकट्ठे हुए थे और हालांकि उस समय पर कर्फ्यू लगा हुआ था कर्फ्यू में आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं यदि आप घर से बाहर गए तो आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जा सकता है आपको सूटेड साइड का भी ऑर्डर होता है तो लेकिन पीपल ऐसे ही मूव कर रहे थे तो जब उनको पता चला कि जो लीडर्स हैं वो वहाँ पर सभा कर रहे हैं तो वो सभी जलियावाला बाग में पहुँच गए और वहाँ पर पहुँच वो सभा को सुनने लगे उस समय पर जो बाग है वो एक खाली जगह थी और उसके चारों तरफ मकान बने हुए थे उसके एंट्रेंस के और एग्ज़िट के केवल दो ही रास्ते थे और वो जो कि काफ़ी तंग थे उसके अलावा चारों तरफ घर होने की वजह से वहाँ से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था तो जनरल डायर जो हैं उन्होंने वो अपनी आर्मी के साथ ऑलमोस्ट सिक्स वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी सैनिकों के साथ वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने दोनों जो एंट्रेंस के जो गेट थे वो जलियावाला बाग के दोनों ही बंद कर दिए और अंधाधुंध धुंध विदाउट एनी वार्निंग दिए कोई वार्निंग नहीं दी गई और अंधाधुंध गोलियाँ चलवा दी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे क्योंकि एंट्रेंस और एग्जिट दोनों ही बंद कर दिए गए थे तो लोगों को भागने के लिए जगह नहीं मिल रही थी और जलियावाला बाग में उस समय पर एक कुआं था तो बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए और एक दूसरे के ऊपर कूदने से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी जिसे जलियावाला बाग मशाकर बोला जाता है और ये जो मशाकर है ये उस समय पर बहुत ही पेनफुल था और लोगों के लिए हमेशा याद था क्योंकि इसमें बहुत सारे निहत्थे लोगों को मार दिया गया था एंड आफ्टर दैट खिलाफ़त मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट क्या था ये मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे अली ब्रदर्स उन्होंने चलाया था इसका टर्की के एक सम्राट थे खलीफा जिसको कहा जाता था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने उसकी सारी पावर उससे छीन ली थी और उसका जो खलीफा का टाइटल था वो भी छीन लिया था जिससे जो मुस्लिम सोसाइटी है वो बहुत ही एंग्री हो गई थी बहुत गुस्सा हो गई थी और उसी के फ़ेवर में उस खलीफा के फेवर में ये मूवमेंट चला था और महात्मा गांधी ने इस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था उन्हें लगा कि नाइनटीन ये नाइनटीन नाइनटीन में स्टार्ट हुआ था और नाइनटीन नाइनटीन ट्वेंटी फोर तक चला था तो गांधी जी को लगा कि आज हम यदि मुस्लिम सोसाइटी को सपोर्ट करेंगे तो लेटर ऑन वो भी हमारे आ, किसी आंदोलन में हमें सपोर्ट करेंगे उसके बाद उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था नॉन कॉपरेशन कॉपरेशन का मतलब क्या होता है सहयोग मैंने अब भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था नॉन लगने पर उसका जो मीनिंग है वो निगेटिव चला जाता है नॉन कॉपरेशन मतलब सहयोग नहीं करना यानी हम ब्रिटिशर्स को किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेंगे इसके अंदर जितनी भी फॉरेन गुड्स थी उनका बायोकोट कर दिया गया था उनका यूज़ करना बंद कर दिया था लिकर शॉप्स जो है वो पिकेटेड कर दी थी पिकेटेड का मतलब क्या होता है कि आप उनके अंदर जाने का रास्ता बिल्कुल बंद कर देते हैं फ़ौरन जो क्लोथ्स थे उनको जला दिया गया था मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने फ़ौरन गुड फ़ौरन गुड्स को अपना सामान बेचने के लिए मना कर दिया था तो इस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था यानी किसी भी एक्टिविटी में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करना है इवन जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने स्कूल्स कॉलेजेस छोड़ दिए गए थे और जो वकील्स थे जो लॉयर्स थे उन्होंने भी वकालत पर जाना बंद कर दिया था यानी टोटली ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाइकऑट कर देना उनका बहिष्कार किया गया था हेयर यू कैन सी द टाइम लाइन जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि आप कॉन्सेप्ट मैप के जरिए माइंड मैपिंग के जरिए अपने आंसर्स को प्रिपेयर कीजिए उसी तरह से एक टाइमलाइन भी होती है जिसके जरिए हम सारे इंसिडेंट को एक ही साथ याद कर सकते हैं अभी जितने भी इंसिडेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो सारे मैंने इस टाइम लाइन शो किए हैं एंड इट इज़ द बेस्ट मैथड टू रिवाइज द चैप्टर आपको पूरा चैप्टर रिवाइज़ करने के लिए आपको पूरी बुक उठाने की जरूरत नहीं है आप हिस्ट्री में टाइमलाइन का यूज़ करें किस डेट को क्या इंसिडेंट हुआ था इंसिडेंट ऐसा नहीं है स्टूडेंट आप भूल जाते हैं आपको याद रहता है कि कौन से इंसिडेंट में क्या हुआ था लेकिन फिर भी रिविजन के टाइम पर दिस इज द बेस्ट मैथड आप भी ऐसे अपनी टाइमलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं नाउ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की आपकी वर्कशीट में ये एक कटिंग्स uh, दी गई है हम इसको पढ़ लेते हैं महात्मा गांधी इन हिज बुक हिंद स्वराज महात्मा गांधी की एक बुक थी जिसका नाम था हिंद स्वराज और इस बुक में उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया हैड बीन विद द सपोर्ट ऑफ इंडियंस एंड वाज फंक्शनिंग वेल ड्यू टू देयर कॉपोरेशन कि जो भारतीय आंदोलन जो ब्रिटिश साम्राज्य हैं वो भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है और इन्हीं के सहयोग के कारण ये अच्छे से चल पा रहा है इफ़ इंडियंस विदड्रो विद दिस देअर सपोर्ट द ब्रिटिश एम्पायर वुड एंड एंड स्वराज वुड बी इस्टैब्लिश्ड यदि इंडियंस भारतीय लोग अपना सहयोग अपना कॉपरेशन वापस ले लें तो एक साल के अंदर अंदर जो ब्रिटिश एम्पायर है वो खत्म हो जाएगा और स्वराज इस्टैब्लिश हो जाएगा हाउ कुड दिट होट ऑफ नॉन कॉपोरेशन बिकम अ मूवमेंट अब असहयोग का जो विचार था वो आंदोलन कैसे बना एट गांधी जी कॉल थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल्स एंड कॉलेज गांधी जी की एक आवाज़ पर हजारों स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल्स और कॉलेज को छोड़ दिया हेड मास्टर्स एंड टीचर्स गिव दियर रेजिग्नेशन। हेड मास्टर्स और टीचर्स ने अपनी जॉब छोड़ दी लॉयर्स स्टॉप टू फाइटिंग केसेज इन द कोर्ट लॉयर्स ने केस लड़ने बंद कर दिए एंड मैन इन डिस्ट्रिक्स बाईकॉटेड द इलेक्शन और बहुत सारे इस, uh, प्रांतों ने तो इलेक्शन का ही कर दिया दी इफेक्ट वॉज मोगल ड्रामेटिक ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट जब हम इकोनॉमिक फ्रंट की बात करते हैं तो वहाँ तो और भी ड्रामेटिक था ये जो बहिष्कार हुआ था फॉरन गुड्स पर बाइकॉटेड विदेशी सामानों का बहिष्कार किया एल्कोहल शॉप्स वर पिकेटेड एल्कोहल की जो शॉप्स थे उनको पिकेटेड कर दिया बॉर्न फायर ऑफ इम्पॉर्टेंट क्लोथ वज हेल्ड बॉर्न फायर किया गया विदेशी कपड़ों का मैन ऑफ बिजनेस रिफ्यूज टू इन्वेस्ट इन द फोन बिजनेसिस विदेशी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेस मैन ने मना कर दिया जैसे जैसे मूवमेंट फैला मैनी पीपल स्टॉपड वेयरिंग इम्पोर्टिड क्लोथ्स एंड स्टार्टड वेयरिंग इंडियन क्लोथ्स जैसे जैसे मूवमेंट फैलता गया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो विदेशी कपड़े थे जो पीपल थे उन्होंने पहनना बंद कर दिया और खादी को प्रमोट किया गया डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट बट मीनिंग ऑफ स्वराज वॉज डिफरेंट फॉर दैम बहुत सारे सोशल जो ग्रुप्स थे उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया लेकिन सबके लिए जो स्वराज uh, था उसका मीनिंग अलग था जैसे फार्मर्स का मेन uh, जो मोटिव था स्वराज का मीनिंग था वो क्या था कि उनके लिए जो टैक्सेस हैं वो कम हो जाए और uh, जो बेकार है यानी कि बिना पैसे दिए जो काम करवाया जाता है वो बंद हो जाए और जमींदारी जमींदारों का बहिष्कार किया जाए तो ये उनका स्वराज का मीनिंग था थार यू कैन सी द वर्कशीट नाउ द क्वेश्चन आंसर्स हाउ वॉज द ब्रिटिश एम्पायर फंक्शनिंग विद द सपोर्ट ऑफ इंडियंस ब्रिट भारतीयों के सहयोग से ब्रिटिश शासन कैसे चल रहा था हाउ डिड इंडियन शो देयर नॉन कॉपरेशन टू द ब्रिटिश और अंग्रेजों को कैसे भारतीयों ने अपना असहयोग दिखाया देर वॉज एन इंक्रीज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन क्लोथ मिल एंड हैंडलूम्स ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाई डू यू थिंक दिस हैपन असहयोग आंदोलन के समय पर बहुत सारे जो भारतीय कपड़ा मिले थी और हथकर गए थे उनमें प्रोडक्शन सडनली बढ़ गया था आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से प्रोडक्शन सडनली इंक्रीज हो गया थर्ड वन इज़ सपोज यू आर स्टरिंग इन आर स्कूल इन 1921 आप सोचिए कि आप 1921 में एक स्कूल में पढ़ते हैं एंड वुड यू लीव योर स्कूल टू जॉइन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द कॉल ऑफ गांधी जी क्या आप गांधी जी के आह्वान पर या उनके बुलाने पर अपना स्कूल छोड़कर आंदोलन में पार्टिसिपेट करते गिव रीजन्स आपको रीज़न देने हैं अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए नाउ द फोर्थ वन इज़ गांधी जी स्टार्टिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉर अटेनिंग स्वराज गांधी जी ने ऐसा योग आंदोलन चलाया था स्वराज के लिए इफ़ यू वर्ट टू बिगिन अ नॉन कॉपरेशन मोमेंट इन टुडेज टाइम यदि आपको किसी ऐसा योग आंदोलन चलाना हो तो उन विच इशू वुड यू डू सो तो आप किस मुद्दे पर उसको चलाएंगे एंड विच मैथड विल यू टेक यूज ऑफ और उसे चलाने के लिए आप कौन से तरीके अपनाएंगे एंड दैट्स ऑल फॉर आर टूडेज वीडियो thanks for watching if you don't subscribe my channel then subscribe and press the bell button so that you will get the notifications of my new video if you have any doubt regarding any topic which we discuss today so you can comment me and you can ask me i definitely give you answer have a nice day stay safe stay home stay healthy